जी अपना परिचय बता दें। डॉक्टर कुलपति तिवारी, महंत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। कब और क्या करने जाए गुरु? काशीवासी भक्तों को बड़े ही हर्ष व प्रफुल्लित मन से आग्रह अनुरोध करता हूँ कि आप सबों का वो पर्व आ चुका है, 5 मार्च वसंत पंचमी के दिन माघ शुक्ल पक्ष में पाव विश्वनाथ का तिलकोत्सव महंत आवाज टड़ीनी में संपन्न होने जा रहा है। ये पर्व आप सबका है, आप सभी दर्शन के लिए पधारे और जो है इस पर्व का आनंद पाल लें। तो इस पर क्या खास होगा गुरुजी? खास ये होता है कि बाबा विश्वनाथ का सुबेरे जो दुग्धाभिषेक, वो जैसे होता है पूरा स्नान ध्यान करके फिर चारों वेदों की ऋचाओं से इसका पूजा पाठ करके फिर दोपहर में भोग आरती में प्रसाद जो है फलहार का लगाते हुए शाम को बाबा को सजा उजा के एक दुल्हा के रूप में पेश किया जाता है, जिस दूल्हे को जो है तिलक चढ़ाने शहर के समाज सेवी व उद्यमी श्री केशव जालान जी अपने भाई कुटुंब के साथ वो अपने बंधु बांधव के साथ तिलक चढ़ाने आते हैं, जिसमें बाबा के लिए सब कुछ लेके आते हैं, जो वस्त्र है उनके लिए, जो भी उनकी श्रद्धा भक्ति वो अच्छे लाते गए और ला के बाबा को तिलक चढ़ाते हैं, वो तिलक दुर्गम दृश्य देखने काबिल होता है। वो पल इतना अच्छा होता है जैसे लगता है साक्षात विश्वनाथ शंकर का आप तिलक देख रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा जब शुरू होगी तो ये रंगभरी तक चलती रहेगी। रोज कुछ न कुछ महंत आवास में जो है लोक परंपराएं चलती रहेंगी। 1 फरवरी को एक मार्च को महाशिवरात्रि है, विश्वनाथ जी में महाशिवरात्रि में चारों आरती में शिव का विवाह होगा और महंत आवास विवाह होगा, लोकाचार होगा, अच्छे संगीत होंगे, भजन होगा, कीर्तन होगा और रंगभरी एकादशी के बारे में तो आप सब अवगत है, इसका पर्व 5 दिन पहले शुरू होगा। इन्हीं शब्दों के साथ काशीवासियों को, सभी मीडिया वासियों को, सभी को मेरा बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब इस जो है काशी आपसे है और काशीवासी के वासी आप सब हैं, काशी में रहने वाले सभी को बाबा विश्वनाथ जो है कि सदा जय करें, उनको जो है हमेशा जितनी भी सुख समृद्धि हो सके दे। इन्हीं शब्द हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।